जब अल्लाह ने रूहों को बनाना चाहा तो कहा कुन, बेशुमार रूहें बन गईं अल्लाह के सामने और करीब अरवाह नबियों की, फिर दूसरी सफ में वलियों की, फिर तीसरी सफ में मोमिनीन की, फिर इनके पीछे आम इंसानों की, फिर हद निगाह से दूर सफ में औरतों की रूहें बन गईं, फिर इनके पीछे हैवानी, नबाती और फिर ऐसी जमादी अरवाह जिनमें हिलने जुलने की ताकत भी न थी, नमदार हो गईं। अल्लाह ने सब रूहों से ये भी पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? सब ने इकरार किया और सजदा किया था, यानी पत्थरों और दरख्तों की रूहों ने भी सजदा किया था। फिर अल्लाह ने रूहों के इम्तिहान के लिए मस्नुई दुनिया और लज्जात बनाए और कहा अगर कोई इनका तालिब है तो हासिल कर ले। बेशुमार रूहें अल्लाह से मुंह मोड़कर दुनिया की तरफ लपकीं और दोज़ख उनके मुकद्दर में लिख दी गई। फिर अल्लाह ने बेहश्त का नज़ारा दिखाया जो पहली हालत से बेहतर, अतात और बंदगी वाला था। बहुत सी रूहें उधर लपकीं और उनके मुकद्दर में बेहश्त लिख दी गई। बहुत सी रूहें कोई फैसला न कर पाईं, इन्हें फिर रहमान और शैतान के दरमियान कर दिया। वही रूहें दुनिया में आकर बीच में फंस गईं, फिर जिसके हाथ लग गईं उसी की हो गईं। बहुत सी रूहें अल्लाह के जलवे को देखती रहीं, न दुनिया की तलब और ना ही जन्नत की तलब। अल्लाह को उनसे मोहब्बत और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई। उन्हीं रूहों ने दुनिया में आकर अल्लाह की खातिर दुनिया को छोड़ा और जंगलों में बसेरा किया। रूहों की तालीम व तरबियत और मदारिज के लिए मज़ाहिब की सूरत में मदरसे कायम हुए और रोज़े अज़ल की तकदीर के मुताबिक कोई किस मजहब में और कोई बेमजहब ही रहीं। अल्लाह की मुहिब रूहें भी इस दुनिया में आईं, कोई मुस्लिम के घर, कोई हिंदुओं, कोई सिखों और कोई ईसाइयों के घरों में पैदा हो गईं और अपने मजहब के जरिए अल्लाह को पाने की कोशिश करने लगीं। यही वजह है कि हर मजहब के ख्वास ने रहबानियत इख्तियार की। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, ये अकीदा गलत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में जाया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हजवेरी, बरी इमाम, शहबाज कलंदर वगैरह ने भी रहबानियत के बाद ही इतने बुलंद मुकाम हासिल किए और इन्हीं के जरिए दीन की इशाअत हुई। अल्लाह की मुहिब रूहें जो रोज़े अज़ल से उसके नज़ारा में गुम होकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थीं, इस दुनिया में आकर भी अपना तन मन धन कुर्बान करके उसकी तलाश में जंगलों बयाबानों में निकल पड़ी। साला साल की रियाजत, इबादत, मुजाहिदात के बाद अपने रब के जलवा को दोबारा पाने में कामयाब हुई। वो रूहें जिन्हें दुनिया अंबिया, सिद्दीकीन, सालेहीन और औलिया अल्लाह के नाम से जानती है, अपने अपने मरातब पाने के बाद हुक्म रब्बी से खल्के खुदा को फैज़ पहुंचाने पर मामूर हुई। तारीख ऐसी बरगुज़ीदा हस्तियों के नामों से भरी पड़ी है जिन्होंने खालिस्तन अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना घर बार, दुनिया की आसाइशें, हत्ता कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हक के परचम को बुलंद कर दिया, जिन्हें दुनिया हजरत सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही के नाम से जानती है। हक गोहर या गोहर, हक गोहर या गोहर, हक गोहर या गोहर, हक गोहर या गोहर, या गोहर या गोहर, या गोहर या गोहर। आ जा मेरे गोहर, अब आ भी जा मेरे गोहर, अब आसियों को ना तड़पा ईमान बरहक, आसियों को ना तड़पा ईमान बरहक, आबिजा। हक गोहर या गोहर, हक गोहर या गोहर, हक गोहर या गोहर, हक गोहर या गोहर। आबिजा मेरे गोहर, अब आबिजा। गौहर या गौहर या गौहर या गौहर। मन अटकिया और मार्गे खुदाबंदी में हमदे रब्बे जलील से और महफिल का आगाज फरमाएं। तमाम इमाम मिलकर झूम कर अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर हाजिर हम जराना पेश फरमाएं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह देखते क्या हो अहले सफा पहुँचे महबूबे खुदा, पहुँचे महबूबे खुदा, यानी के हो चुके जलवा नुमा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा से इस महफिल का बाकायदा आगाज हुआ। हम का नजराना पेश फरमा रहे थे जनाब हरीश साहब और उनके साथी हजरात गिरामी। इलामा इकबाल रहमत ने क्या खूब इरशाद फरमाया, खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और खुदी है तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, और खुल जाए दर जन्नत के दोजख की सब आग बुझे, खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि कलंदर लाहौरी ने इरशाद फरमाया कि इंसान अगर अपनी जुबाने दिल से एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ ले, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल देगा। लेकिन आपने शर्त रखी है इंसान के दिल से कलमा पढ़ने की, और इसी दिल के मुताबिक सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदा कामिलीन हज़रत सगी सुल्तान बाहू रहमत इरशाद फरमाते हैं, जुबानी कलमा हर कोई पर्दा ते दिलदा पर्दा कोई हूँ, ते दिलदा कलमा आशिक पर्दे की जानन यार गलोई हूँ। अरे जुबान से कलमा पढ़ने वाले लाखों और करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दिल से कलमा आशिकीन पढ़ते हैं। अरे कौन सा आशिक जिसे तपती हुई सहराओं पर लटाया जाता है, जिसको तपते हुए कोलों पर लटाया जाता है, जिसको तपते हुए अंगारों पर लटाया जाता है। अरे कौन सा आशिक जुबान दिल से कलमा पढ़ता है, जिसके गले में फंदे डाल के अरब की गलियों में फिराया जाता है। अरे वो आशिक जिसका सर कट के नेज़े की नोक में चढ़ के कुरान सुनाता से याद करती है, कभी अवैस करनी के नाम से याद करती है, कभी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद करती है और कभी दाता अली हजवेरी के नाम से याद किया जाता है। हाँ हाँ, जो अपने जुबान दिल से कलमा पढ़ ले, तारीफ ही नहीं जो आप खुद ही नहीं बल्कि हजारों नहीं लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कनों को कलमा पढ़ा दे, तारीफ नहीं तो हाजिर से रियाज अहमद गौहर शाही का नाम दे। आइए अल्लाह के जिक्र के बाद में जिक्र करते हैं उस हस्ती मुअज़्ज़म व मुकर्रम का कि जिसके मुताल्लिक़ खालिक़ कायनात ने खुद इरशाद फरमाया, ए हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात को ना बनाता। आइए जिक्र करते हैं उसका कि जिसके मुताल्लिक़ खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, ए महबूब अगर तुझे पैदा न करता मैं अपना रब होना ही जाहिर न करता। आइए जिक्र करते हैं उसका कि कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल रहमत ने जिसको देखा तो फरमाया वो दाना है सुबुल खत्मुल रसूल मौला है कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिए सीना निगाहे इश्क बस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आइए जिक्र करते हैं उसका कि जिसके मुताल्लिक हजरत अशरफ रजा खान फाजले बरेलवी रहमत ने फरमाया, जनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो समा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, तुझे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और आइए हम जिक्र करते हैं उस हस्ती का कि जिसके मुताबिक पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने क्या खूब इरशाद फरमाया, कोई मिस्र न ढो नंदी चुप कर मेहर अली ये जा नहीं वो नंदी। आइए जिक्र करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का। आइए जिक्र करते हैं हबीबे किबरिया का। आइए जिक्र करते हैं हबीबे परवरदिगार का। आइए जिक्र करते हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आका का। आइए जिक्र करते हैं सिद्दीक के आका का। आइए जिक्र करते हैं फारूक के आका का। आइए जिक्र करते हैं हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौला का। आइए बारगाह रसूल के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हरिया यकीनत के फूल निशावर करके अपने दिलों को बहलाते हैं, बारगाह रसूल के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना नात पेश करके अपने दिलों को गरमाते हैं, क्योंकि हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। आइए आका के जिक्र से अपने दिलों को बहलाते हैं, बारगाह फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत के फूल निछावर करने के लिए दावत नाते रहा हूँ सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब संगल वाले, जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ ना खाए कि उनको दावत दूंगा कि बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत के फूल निछावर उधर इधर देखो मदीना बनी नहीं खाली आ जाओ रास्ता दे ना दे रास्ता छोड़ दे बेटा भाई पीछे एक साइड पे हो जाए आप थोड़े से रुक जाए भाई उधर ही थोड़े से एक साइड पे रास्ता बहुत पीछे हो जाए भाई रास्ता छोड़ेंगे बस हो गए ना चल पैदल चलते हैं मेरा शाही मलंग रहेंगे दुनिया वाले धंग रहेंगे तेरे रंग में रंग रहेंगे तेरे रंग में रंग रहेंगे शाही मरहबा मरहबा या गोहर शाही गोहर 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 गोहर। हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों का करार, हमारे दिलों का चैन, शहनशाह विलायत, इमाम जमाना, किबला काबा, पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मददल्लाहु अलैहि इस बज़म में तबाफरोज हुए, इस बज़म की जीनत बने। हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। तो आइए, बिला ताखीर दावत खिताब दे रहा हूँ अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मददल्लाहु अलैहि को। तो समाअत फरमाइए, किबला काबा सरकार शाह साहब के गोहरे नायाब को नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, नारे गौसिया, शाही मेरा शाही, गोहर शाही गोहर शाही, नबी का सच्चा दाई, गोहर शाही गोहर शाही, जान में जिनकी सूरत आई, गोहर शाही गोहर शाही, जान में जिनकी सूरत आई, गोहर शाही गोहर शाही। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आपके इस इलाके में पहली दफ़ा ही आना हुआ। आने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की दिल आज़ारी नहीं है, कोई हुकूमत पर नुक्ताचीनी नहीं है। हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर घर में कुछ दिल वाले होते हैं। सुभान अल्लाह। उन दिल वालों को निकालना मकसद है। सुभान अल्लाह। और दिल की आवाज उनके ज़मीर तक पहुंचाना मकसद है। सुभान अल्लाह। हजूर पाक के ज़माने में दो तरह का इल्म था, एक ज़बान वालों के लिए जिसको शरीयत कहते हैं, और एक दिल वालों के लिए जिसको तरीकत कहते हैं। सुभान अल्लाह। आपके ज़माने में जिन लोगों ने सिर्फ ज़बानी इल्म पे कनात करी, उन्हीं में से कोई ख़ारिज हुआ और कोई मुनाफिक हुआ। बेशक। और जिन लोगों ने वो दिल वाला इल्म भी हासिल किया, वो तो एक सहाबी या रसूलुल्लाह और वलियों से भी आला मकाम हासिल करके चले। बेशक। अब वो जो ज़बान वाला इल्म है, उसको तो हर कोई जानता है। वो उलमा के पास है, मालकी, शाफी, हमले, हनफी, ये सारे शरीयत में सही। और वो जो दिल वाला इल्म है, वो उलिया के पास आया। चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सरवर्दी, ये वलियों के पास उलमा। अल्लाह। उलमा ने नमाज सिखाई, अल्लाह के हजूर खड़ा कर दिया इस जिस्म को, और वलियों ने वो जो जिस्म के अंदर की रूह है अल्लाह तक पहुंचा दिया। अल्लाह। अब जब चौंके आलम नजदीक नजदीक होते हैं, रोज उनसे पाला पड़ता है, 5 वक्त पाला पड़ता है, इस वजह से हर आदमी वो उनकी तालीम जानता है। और वली कभी कभी आते हैं, बड़े बड़े दूर होते हैं, किसी किसी के मिलते हैं, इस वजह से उनकी तालीम बहुत ही नायाब होती है। बेशक बेशक। जब वो वलियों की तालीम गई, सिर्फ जहरी तालीम आ गई, उसने 72 फिरके बना दिए। मुसलमानों में इंतशार और नफरतें पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। अब हम कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए ना कि असली फिरके की तलाश करें ना। वो असली फिरका कौन सा था? हर फिरका अपने आप को सही कहता है। मनाजरे करो, मुबाहसे करो, अपने आप को सही कहते हैं। ना ये जीतते ना वो जीतेगा, फिर सच्चा कौन सा? इस वक्त सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, कितने फिरके हैं। इन सब को, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, परवेज़ी, सब को खड़ा कर दो ना। इन अंदर झांक के देखो ना, अंदर से सारे काले हैं। अल्लाह। बेशक। तो फिर वो सही कौन सा होगा? जो सही होगा वो काला तो नहीं होगा ना। हजूर पाक के जमाने में न सुन्नी था, न शिया था, न वहाबी था। हजूर पाक के जमाने में उम्मती थे। सुभान अल्लाह। उम्मती वो होता है, हजूर पाक फरमाते हैं, जो उम्मती वो होता है जिसमें अल्लाह का नूर होता है। हदीस शरीफ में भी है कि क़यामत के दिन उम्मतों की पहचान नूर से होगी। उम्मती थे। आज तो फिरका कहता अपने आप को उम्मती, कैसे कहे बेचारा, नूर नहीं अंदर कैसे कहे। उन उम्मतियों में नूर था। जब वो नूर निकलता गया, सुन्नी शिया वहाबी बनता गया। अगर तुम्हारे अंदर दोबारा वो नूर आ जाए तो कभी नहीं कहोगे मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं वहाबी हूँ। यही कहोगे बस उम्मती हूँ तुम्हारा यार, तो तुम्हारे यही काफी है। अब लोग सोचते हैं तो जरूर अपने आबा अजदाद से सुना होगा कि ये दिल अल्लाह अल्लाह करते हैं। जी सुना होगा। अक्सर कहते हैं करते थे अब नहीं कर सकते। अक्सर कहते हैं ये ख्याल ही है, ये दिलगोश का लोथड़ा है, ये अल्लाह कैसे करता है। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि ये वो कि गोश का लोथड़ा अल्लाह कर सकता है, यकीन तुम करो, तुम इसके बगैर चैन ही ना, इसके बगैर नहीं दिला। लेकिन तुम कहते हो कि नहीं ये ख्याल है। हमने जबान देख, दिल देखा है, गोश का लोटा है। तो दरवेश कहते हैं कि ये जो जबान है ये भी तो गोश का लोटा है, ये अल्लाह कैसे करती है। अल्लाह अगर ये गोश का लोटा अल्लाह कर सकता है, वो दिल गोश का लोटा वो भी अल्लाह करता है। इस जिस्म के अंदर कुछ मखलूकें हैं। ये इसी तरह जिस्म था, मिट्टी का बना दिया गया। जब वो मखलूकें डाली, किसी का काम सोचने के लिए, किसी का देखने के लिए, किसी का सूंघने के लिए, किसी का चलने के लिए, एक मखलूक का काम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना। हदीस में उन मखलूकों के नाम है कलब, रूह, सिरी, खफी, अख्फा, अन्ना, नफ्स। ये तुम्हारे सीने में मखलूकें हैं। और जब ये मखलूकें चली जाती हैं तो तुम खत्म हो जाते हो। जब वो आती हैं तो तुम चलना फिरना शुरू कर देते हो। एक मखलूक है जिसका नाम है अख्फा। जिस तरह जिन फरिश्ते मखलूक हैं, इस तरह वो मखलूक हैं। एक मखलूक है जिसका नाम है अख्फा, वो सीने के दरमियान में। सुभान अल्लाह। वो मखलूक बोलती है इस गोश के लोथड़े के लिए। अगर किसी में वो मखलूक अख्फा ना हो, डॉक्टर कहते हैं जबान तो सही है, ये बोलता क्यों नहीं है। इंसानों और जानवरों में इन मखलूकों का फर्क। अगर ये मखलूक जानवरों में हो तो वो भी कुछ ना कुछ बोले ना, वो तोतले ही बोले, जबान थोड़ी भी है ना। अब इस जबान को बुलवाने के लिए अख्फा है। और वो जो उत्तर गोश का लोथरा है, अरबी में उसको फवाद बोलते हैं। और जो उसके साथ मखलूक है उसको कल्ब बोलते हैं। सिर्फ फर्क ये है अख्फा आजाद है और कल्ब 1,80,000 जालों के अंदर बंद है। अगर कोई शख्स कल्ब को भी जगा ले तो जिस तरह ये जुबान अल्लाह करती है, इसी तरह वो दिल भी अल्लाह। लेकिन उस कल्ब को जगाए कैसे, यही तो एक राज है। अगर कोई शख्स अंडे की खासियत से बेखबर है, उसे कहा जाए ये हवा में उड़ेगा, चूं चूं करेगा, तो कहेगा गलत कहता है, ना इसकी टांगे हैं, ना पर है, ना जुबान है। तू कहता है ये चूं चूं करेगा, ये हवा में उड़ेगा, मैं रोज को तोड़ के खाता, उसमें कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी इबरत के लिए है। उसका नाम है बेजा। और तुम्हारे अंदर तसव्वुफ़ ने कहा बेजा नासूती है। उसके अंदर एक मुर्ग बंद है और इसके अंदर एक मुर्गे लाउती बंद है। अल्लाह। उसको जहरी गर्मी की जरूरत है, इसको अल्लाह की जरूरत है। उसको मुर्गी चाहिए और इसको मुर्गी क्या करेगी, उसके हिसाब से उसको गर्मी पहुंचाएगी। जब देखेगी कि ज्यादा हीट आ गई तो उठ के चली जाएगी, फिर आके बैठ जाएगी। और मुर्शिद क्या करेगा कि तेरे सीने के हिसाब से अल्लाह का नूर पहुंचाएगा। अब जब वो अंडा फटेगा, उसको कोई नहीं सिखाएगा, बगैर सीखे सिखाए चूं 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 करेगा। क्यों? उसकी फितरत है। और जब ये फटेगा तो बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह, क्यों अल्लाह अल्लाह, इसकी फितरत है। सुभान अल्लाह। आप तुम अल्लाह नहीं कर रहे, वो तुम्हारे अंदर जो मखलूक जाग उठी है ना, वो अल्लाह ने करी है ना। यहाँ फिर दो तरह की तस्बीह है, एक तुम्हारी तस्बीह है वो जो बाजारों में बिकती है टिक टिक टिक, एक अंदर तस्बीह लगी हुई है वो उस मखलूक की तस्बीह है। अब तुम उस मखलूक के उस्ताद हो गए, तेरी तस्बीह तो तेरे अंदर है, अब तू इसके साथ अल्लाह मिला। अब कभी मिली कभी हटी, कभी मिली कभी हटी, 3 साल के बाद इतना पुख्ता होगी कि तुम डट कर सोते रहे और अल्लाह अल्लाह होती। सुभान अल्लाह। अब फिर वो नूर कैसे बनता है? वाह वाह। उम्मती जिसमें नूर है वो उम्मती है ना। जी जी। अब फिर नूर कैसे बनता है? एक सीखने का आम है कि तुम्हारे काबिल कहते हैं कि कुरान मजीद में नूर है। हमने कहा इसमें शक नहीं। कहने लगा मैं तुम्हारा जासूस रह के आया, मैं नमाजें भी पढ़ाता था, कुरान की बहुत सी आयतें मैंने रटी हुई थी, मैं तो 12-13 से रह के आया, मैं तो नूरी को नहीं हुआ। एक ईसाई पास बैठा था, कहने लगा मैं शब रोज तुम्हारे कुरान का मुताला करता हूँ, नूरी मैं भी को नहीं हुआ। हमने कहा असल बात यह है कि तुमने दिल से नहीं पढ़ा। हाँ। तो वो कहने लगे ठीक है, हमने दिल से नहीं पढ़ा, ये जो तुम्हारे मुसलमान है वो तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो वो नूरी क्यों नहीं हुए? बड़ी माकूल बात है। अगर वो दिल से पढ़ते वो भी है ना, तो फिर वो नूरी क्यों नहीं हुए? इस कुरान मजीद में वाकई नूर है, जिसमें नूर है वो हुजूर पाक के सीने मुबारक में है। हाय हाय हाय। वो सीना जिस सीने से टकराता वो भी नूरी हो जाता है। और ये जो कुरान मजीद है, ये किताब प्रेस से होके आया है, इससे नूर बनाना पड़ता है। उस नूर बनाने का हम लोगों को पता नहीं, जिनको पता है वो तो वली अल्लाह बन गए। अब उसका तरीका क्या नूर बनाने? अब आप तस्बीह पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह, वो बगैर टिक टिक के भी तो अल्लाह अल्लाह हो सकती है ना, वो टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह क्यों करते हैं? ये हमारे काबर ने क्यों बताया? जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है, पत्थर टकराते हैं तो चंगारी उठती है, अल्लाह अल्लाह से टकराता है तो नूर बनता है ना। लेकिन वो जो नूर बना वो तो उंगलियों में ना, अंदर तो नहीं है ना। कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह जुबान से करते हैं, नूर बनता है, अंदर वो भी नहीं जाता, वो बाहर ही है ना। भाई अगर अंदर जाए तो सारे कुरान पढ़ने वाले नूरी ना हो, तो सारे नूरी हो तो फिर कबाजी खत्म ना हो जाए, जरूर खत्म। अब इसी तरह की वो टिक टिक अंदर हो रही है, उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह ये जुबान नहीं कर सकती, वो जो मखलूक जागी है ना वो उसके साथ अल्लाह अल्लाह करेगी। जब वो दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा तो फिर वो नूर बनाना। दूध दूध ये रगड़ा लगता तो मक्खन बनता है, और जिक्र जिक्र ये रगड़ा लगता तो नूर बनता है। जब वो रगड़ा लिखा ना अल्लाह अल्लाह का, तो फिर वो ना नूर बनाना, वो ना उंगलियों में तो ना बाहर, वो सीधा खून में चला गया ना। तो खून से होता हुआ तुम्हारी नसों में चला गया, नसों से होता हुआ तुम्हारी रूहों तक पहुंच गया ना, रूहों तक नूर पहुंचा तो वो भी बेदार होगी और उन्होंने भी अल्लाह करना शुरू कर दिया। फिर तू सोते रहना, वो अल्लाह करती रहेंगी। तू मर भी गया तो कब्र में भी अल्लाह और यौम महशर में भी अल्लाह। जब हर वक्त वो अल्लाह करती रहेंगी तो अल्लाह अल्लाह का नूर इस दिल में इकट्ठा हो जाएगा। ये उसका हेडक्वार्टर है, ये जनरेटर इकट्ठा हो गया अल्लाह। उधर अल्लाह एक हदीस शरीफ है कि नमाज मोमन का महराज है, मुसलमान का नहीं है, मोमन का। मुसलमान सारी उम्र टकरे लगाए, मोमन नहीं बन सकते, क्योंकि सूरत हजरात में मोमन की तशरीह है। एराब ने काम नहीं मान लिया है, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में होगा, तब तुम मोमन बनेगा। फिर तेरी नमाज महराज कैसे होगी? सुभान अल्लाह। अभी तेरी नमाज महराज नहीं, तेरी नमाज के लिए कुरान फरमाता है उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज हकीकत से बेखबर हैं। उनकी नमाज दिखावा है, वो कैसे दिखावा? अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को फरमाया कुल वल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आपने आमीन कहा, आप इन लोगों का कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने आमीन कहा वो मुसलमान, जिन्होंने नहीं माना वो काफिर, जिन्होंने हिलोजत करी वो मुनाफिक। अब मुसलमान किसको कहते अल्लाह ही के भाई, तू तो जानता अल्लाह ही के। घड़ी घड़ी किसको कहते अल्लाह ही के? बुल्ले शाह फरमाते एक ही नुक्ते निकल गए। तुम अपने दिल को कहते हो कहते अल्लाह ही के। दिल जो आप देता है घर विच आटा ही कोई नहीं ना मानता, हिलोजत करता है ना। फिर कहते हो अल्लाह सुमद, अल्लाह बेनियाज है। दिल कहता है नहीं बीवी बीमार, दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए। काफरों की जबान इकरार नहीं करती, मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते, और फासकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक है। बड़े खुशू खजू से मस्जिद में नमाज पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता नहीं, ना मैं इसकी दाढ़ी को देखता हूँ, ना मैं इसके सजदे को देखता हूँ, मैं इसके कलब और नीयत को देखता हूँ। जिसको दुनिया देखती है उसमें वो शियार है, जिसको अल्लाह देखते है उसमें कारोबार है। ये नमाज सूरत है जिसको हर तरीके वाला पढ़ता है, और इस नमाज का कोई एतबार नहीं, इस नमाज का कोई एतबार नहीं है। बुल्ले शाह फरमाते हैं तो तेरा दिल खिड़ावे मुंडे कुड़िया कीती रब नल विचार। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, ये तो मुसलमान पढ़ते हैं और फिर के वाला इसको पढ़ता है। वो सिख जासूस भी पढ़ के गया। अब वो जो नमाज मोमन का महराज है, सिर्फ मोमन पढ़ता है, मुसलमान ही पढ़ता है। और वो महराज कैसे बनती है? जो भी इंसान आया अल्लाह ताला ने उसमें टेलीफोन लगा दिया, भाई इतने दूर जो भेजा, अगर इसको मुझे राब्ते की जरूरत करना पड़ी, उसने वो टेलीफोन लगा दिया। लेकिन जिस तरह टेलीफोन लगा हुआ है, यहाँ टेलीफोन पड़ा हुआ है, इसको बिजली की जरूरत है। अगर बिजली है तो यहाँ से मोबाइल पड़ा हुआ है, तो बिजली की लहरें यहाँ से उठेंगी तो सीधा अमेरिका चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तेरे अंदर नूर है तो फिर नूर की लहरें यहाँ से उठेंगी तो सीधी अर्श मौला। जब हजूर पाक ऊपर पहुंचे शब महराज में, अल्लाह ताला ने तोहफे दिए, ये अपनी उम्मत को दे देना। क्यों? उसको नमाजों की जरूरत है। अगर तुम कोई भी नमाज ना पढ़ो तब तो अल्लाह ही है ना, उसकी शान घटती तो नहीं, तो फिर उसको नमाजों की जरूरत है। ये तोहफे हैं, जिस दरबार पे जाते हैं फूल ले जाते हैं, वो दरबार वाला खाता तो नहीं है ना, ये अकीदत है। तोहफे इस वजह से ये तोहफे दिए कि अपनी उम्मत को दे देना। वो 5 वक्त ये तोहफे मुझे भेजेंगे, जब मेरे पास ही तोहफे आएंगे ना तो फिर मैं उनको याद रहूंगा, वो मुझे याद रहेंगे। अल्लाह, वो तोहफे नीचे आ गए ना। तो जब तक हजूर पाक थे तो पीछे इस इमाम के आगे टेलीफोन लगा हुआ था ना, तो तोहफे ऊपर चले गए ना। अब तो हमारे टेलीफोन वाले इमाम ही को नहीं है ना। अब तो तोहफे ऊपर कैसे गए? जिसका भी टेलीफोन लगा हुआ है तो फिर उस टेलीफोन के जरिए वो तोहफा ऊपर जाता है। जब फिर तोहफा ऊपर जाता है फिर वो मोमन का महराज। ये मोमन है, इसके आगे वलायत भी है। तुम्हारे अंदर है वली जो आते हैं, कोई आसमानों से तो नहीं गिरते हैं ना। बिल्कुल, हम तुम ही हैं, सबके अंदर वलायत का राज। जो भी बच्चा है इस दुनिया में, अगर काफिर का बच्चा है तो वो भी वलायत का राज लेके आया। क्या खबर मुसलमान हो जाए, तोबा कर ले। और तारीख हुआ है कि काफरों के बच्चे मुसलमान हुए और बड़े बड़े वली बने। अगर काफरों के बच्चे वली बन सकते हैं तो क्या मुसलमानों के बच्चे वली नहीं बन सकते? वो वलायत का राज क्या है? तुमने देखा होगा कि रात को सोते हो, दूसरे शहर में घूमते हो। तुम तो नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अंदर की एक मखलूक होती है जिसको नफ्स बोलते हैं। वो शैतानी महू में घूमती रहती है, मुड़ के जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसी किस्म की और भी तुम्हारे अंदर हुए हैं ना, वो लतायफ है ना, सत लतायफ है ना। जब उनको अल्लाह का नूर मिलता है, नूर से उनकी परवरिश होना शुरू हो जाती है ना। जब नूर से परवरिश होती है, फिर तुम देखते हो रात को सो रहे हो तो हजूर पाक के कदमों में उन मखलूकों के जरिए जब वो ताकतवर हो जाती हैं, तो फिर वो मखलूकें कौन सी हैं? जब हजूर पाक शब महराज में गए तो बैतुल मुक़द्दस में जाने से पहले नमाज पढ़ी। वो जो पहले नमाज पढ़ाई, वो किसको नमाज पढ़ाई? वलियों और नबियों की अरवा को। ऊपर से जब गए तो फिर जो नमाज मिली तो वो किसके मिली, किसके लिए मिली? वो नफसानी लोगों के लिए, ताकि वो इस नमाज के जरिए पाक हो और उस नमाज में शामिल। आज भी अगर कोई अपने आप को पाक कर ले, तो फिर अपनी रूह को तैयार कर ले, तो फिर वो उस नमाज में शामिल हो जाता है। ये शरीयत मोहम्मदी है। हजूर पाक का यहाँ जो इसम मुबारक है ना, आपको यहाँ कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जिस्म मुबारक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये शरीयत मोहम्मदी उसको कहते हैं। तो जो आपकी रूह मुबारक है ना, उसका नाम अहमद है। कोई रूह उनकी रूह तक चली जाए तो शरीयत अहमदी तक चली जाए। ऊपर आपका नाम हामद है। तो फिर जब अल्लाह के कोई रूबरू हो जाना तो उस मकाम महमूद है ना, वहाँ हजूर पाक को महमूद कहते हैं। रिक्शा वाले कहते हैं जी, नमाज रोजा कम सीखो और रास्ता को दूजो। नमाज रोजा काम अच्छा है, लेकिन वो रास्ता जो है वो कुछ दूसरा है। नमाज रोजा जन्नत को पहुंचाता है, अल्लाह को नहीं पहुंचता। अल्लाह के लिए रास्ता को दूसरा है। हमने पहाड़ों में लोगों को देखा, तस्बीहें बड़ी बड़ी लगी हुई, अल्लाह करें, इबादत खूब करें, वो अल्लाह मिला को नहीं। गारों में देखा, अल्लाह मिला को नहीं। मस्जिदों में देखा, 30-40 साल हो गए नमाजें पढ़े हैं और कोई अल्लाह मिला है को नहीं। तो फिर अल्लाह किसको मिला? अल्लाह उनको मिला जिन्होंने अपने दिल में ढूंढा ना, उनको मिला। क्योंकि अल्लाह का ताल्लुक जो है ना, वो दिलों से है ना। अब जो तुम नमाजें पढ़ रहे हो ना, इनका ताल्लुक तो जन्नत से है ना। बेशक। और हम तुमको सबूत देते हैं ना, ढेर नमाजें पढ़ी होंगी, तस्बीहात पढ़ी होंगी, तहज्जुद भी पढ़े होंगे, लेकिन जब दुआ मांगी होगी तो यही कहा होगा, ए अल्लाह मुझे जन्नत दे। जी जी, तो जन्नत की कभी नहीं मांगी ना। तुम ख्याल करो, कभी भी तुम नहीं कहा है अल्लाह मुझे तू चाहिए, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह के लिए तुमने अमल नहीं किया। जब तुम दिल में अल्लाह शुरू करोगे ना, तो वो रास्ता अल्लाह को जाता है ना। जब दिल में अल्लाह आएगा ना, तो कभी नहीं कहोगे अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह मुझे तू चाहिए। फिर जब अल्लाह मिल गया तो अपने पास तो नहीं बैठाएगा, जन्नत भी भेजेगा, बिन मांगे जन्नत मिलेगी ना। तेरा शाही मेरा शाही, गोहर शाही गोहर शाही, तेरा शाही मेरा शाही, गोहर शाही गोहर शाही, लजपाल शाही। अब बहुत से तरीके हैं, वो कहते हैं कि रब का दीदार नहीं हो सकता। बहुत से कहते हैं रब का दीदार हो सकता है। हजूर पाक को जो हुआ इस जिस्म से हुआ, बाकी जो वलियों को होता है उनके अंदर जो मखलूके हैं उनके जरिए होता है। तुम्हारे अंदर अल्लाह ने होशियार रखे हुए हैं। उसने 7 आसमान बनाए, हर आसमान से एक मखलूक पकड़ के इस तुम्हारे ढांचे में डाल दी। पता नहीं इसको मलकूत में जाने का शौक हो, अपने कलब को तैयार करेगा, मलकूत की तैयार सैर करेगा। हो सकता है जबरूत में जाने का शौक हो और लतीफ़े रूह को ताकतवर करेगा, जबरूत में चले जाएगा। हो सकता है इसको अल्लाह को देखने का शौक हो सकता है इसको अल्लाह को देखने का शौक हो, तो वो लतीफ़ा अल्लाह को ताकतवर करेगा तो अल्लाह तक पहुँच जाएगा। जब कोई इन मखलूकों को तैयार करता है, ये जो लतीफ़ा अल्लाह दिमाग में है, उसका जिक्र याहू है, याहू से वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल फरिश्ता बन जाता है। उस वक्त आदमी सोचता है देखिए ऊपर क्या हो रहा है, आदमी सोचता है वो ऊपर प्रवास कर जाता है, वो उसका मोहताज है, फरिश्ते रोकते हैं नहीं रुकता है, कहते हैं जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे चल जाएगा, क्योंकि फरिश्ते बैतुल मामूर से आगे नहीं जा सकते। और वो बैतुल मामूर से भी आगे चला जाता है, वहां पहुंच जाता है जहाँ रब की जात। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं कि वाकई इंसान अशरल मखलूकात है, उस वक्त अशरल मखलूकात है, अब नहीं। जब वहां पहुंचता है बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानी दे के पहुंचता है ना, पता नहीं कितना अरसा उसने तैयारी में लगाया, 12 साल तो कम अज कम लगते ही है ना। ये जो लोग जंगलों में चले गए, नमाजें घर में भी पढ़ सकते थे ना, तो जंगलों में क्यों गए? इन अपनी मखलूकों को तैयार करने के लिए गए। फिर जब रब के हुजूर पहुंच जाता है, फिर एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, बड़े प्यार से देखते हैं। फिर अल्लाह का जो नक्शा है उसकी आंखों के जरिए उसके दिल में जाता है। फिर जब उसके दिल में जाता है, फिर अल्लाह ताला फरमाता है अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे। इसको बोलते हैं कामुल मुर्शिद। सुभान अल्लाह, बेशक इसी का दीदार मैनू लख करोड़ा। और इसी मुर्शिद की बैत होती है जो अल्लाह तक पहुँचाता है, और जो बिकते हैं वो इसी मुर्शिद के लिए बिकते हैं। अब रहा सवाल, हमारे इलाके में क्या हम जहाँ भी घूमते हैं वहाँ गद्दी नशीन भी है, सजादा नशीन भी है, सारे मुर्शिद बने हुए हैं ना। अब जो मुर्शिद हमने पकड़ा है वो तो अल्लाह के लिए पकड़ा है, ये जिस्म तो अल्लाह को नहीं जाता है ना, वो तो जिस्म के अंदर की चीजें अल्लाह को जाती है, उसको इनको पहुँचाना आया ही नहीं तो कितना बड़ा मुजरम। बैत का हक सिर्फ वली को है। जिस तरह कोई नबी नहीं है, नबूवत का दावा करता है काफर, मानने वाले भी काफर, तो कोई वली नहीं है तो अपने आप को वली समझता है तो कुफर के नजदीक। वो काफर तो अपने लिए था ना, और इसलिए तो हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो नायाब चीजें, वो नायाब इशारे जिनके जरिए आदमी को अल्लाह तक पहुंचता था, उसने उनको फंसा के बर्बाद कर दिया। वो इसका जवाब नहीं दे सके, वो इसका जवाब नहीं दे सकेगा। दूसरी तरफ हमारा आलम फिर कहा गया। अच्छा, एक तरफ तो गद्दी नशीनों ने और सजादा नशीनों ने हमारे अंदर को बर्बाद कर दिया जी, सही। और दूसरी तरफ आलम फिर कहा गया, उन्होंने हमारे ईमान को ही बर्बाद कर दिया, बिल्कुल फिरकों में तकसीम कर दिया, बिल्कुल सही। आलम की भी 3 किस्में हैं ना जी जी। एक आलम रब्बानी है। आलम रब्बानी वो होता है जब उसके अंदर मनवर हो गया ना, नूर आ गया जी जी जी, तो फिर वो मकनातीस लग गया जी। जिस तरह मकनातीस पड़ा है, छोटे छोटे सुइयां फेंकते हैं और पकड़ता जाता है ना, लेकिन उसे इसी तरह जब यहाँ नूर का गोला आ जाता है ना, किसी के भी नूर में गोला आ जाए, या आम है या आलम है, जब आलम के दिल में नूर का गोला आ जाता है ना, फिर वो नमाज पढ़ता है ना तो उसका नूर भी अंदर जाता है ना, तो फिर वो कुरान पढ़ता है ना तो फिर उसका भी नूर अंदर जाता है, तो फिर कहते हैं कारी नजर आता है। हकीकत क्या शान है, सुभान अल्लाह। अब कुरान मजीद को आप देखें, कहीं भी नहीं लिखा नमाज पढ़, बेशक वहाँ यही लिखा नमाज कायम कर। वो लोग नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह ने फरमाया नमाजें कायम करो। नमाज पढ़ेगा सारी उम्र मुसलमान ही रहेगा, नमाज कायम करेगा तो आलम बामल बनेगा तो मोमन बनेगा। क्या नुक्ता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने क्या होता है? हाँ जी जी, सारे नमाज पढ़ते हो ना, पढ़ते हो, किताब पढ़ रहे थे बंद करी खत्म हो गया ना, इसको खत्म क्यों करता है? कायम करना, नमाज को अपने अंदर बसाना। तेरा अंदर मुनव्वर होगा, तेरे अंदर नमाज पर कायम रहेगी ना। हाय 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 क्या शान। नारे तकबीर। बड़ी बड़ी कायम नहीं होता है, अल्लाह ने कहा कायम कर। हाय हाय दिल में बसा नूर अपने अंदर कायम कर। बेशक फिर कुरान पढ़ा तो उसका मीनिंग अंदर गया। बेशक ऐसे आलम की तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन। अगर कोई ऐसा आलम है ना उसकी तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन। बेशक ऐसे ही आलमों ने काफिरों को मुसलमान बनाया। वाह हुजूर पाक फरमाते हैं ना ऐसी आलमों के लिए ये बनी इसराइल की नबी अल्लाह। अच्छा ये तो आलम हो गया ना बामा, इसको आलम रब्बानी कहते हैं। इसने जब हमको दीन सिखाया, काफरों को मुसलमान बनाया। और फिर दूसरा आलम अल्लाह, उसने काफरों को मुसलमान नहीं बना सका। वो मुसलमानों में फिरके फिरके बनाए ना, मुसलमानों को काफिर कहा ना। वो दूसरा आलम जिस इसके सीने में कुरान, उसके हाथों में कुरान। अच्छा इसके सीने में कुरान है और आलम सूब उसके हाथों में कुरान है। वो सारा दिन रात पढ़ता रहता है कुरान, लेकिन कुरान अंदर ही नहीं आता है ना। वो अंदर गए तो उसको हदायत देना। कुरान खुद फरमाता है उद्दल मुत्तकीन, मैं हदायत करता हूँ पाकों को। वो जो पाक था ना आलम, उसको तो हदायत हो गई ना, लोगों के लिए भी हदायत बन गया। ये तो पाक ही नहीं था, कुरान इसके अंदर ही नहीं गया, कुरान इसके हाथों में। भाई सारी उम्र लगा रहा कुरान हाथों में, वो वली नहीं बन सका। वो आलम बा मतलब पता नहीं क्या क्या बन गया। उसके बाद तीसरा आलम, वो भी तुमको बहुत नजर आएंगे। उसने बहुत पढ़ा, वो अंदर ही नहीं जाता, बहुत पढ़ा अंदर ही नहीं गया। उसने फिर क्या किया तो उस कुरान को बगलों में लगा दिया, टंगा के बगल में रखा, टंगा के बगलों में दे दिया। वो अल्लाह तो मिला नहीं, चलो कुर्सी ही मिल जाए। वो सियासत में लगे ना, कुरान बगल में देगा, सियासत को सियासी जेब तो भी नहीं देती, लेकिन उसका हक भी है ना। अल्लाह जो नहीं मिला चलो दुनिया से। उसके लिए बुल्ले शाह ने फरमाया खा के सारा मुकर गए जिन्हों के बगल में कुरान। खा के सारा सुबह कहते हैं बेनजीर काफिर है, वो शाम को पैसे वैसे मिल गए ना, मैंने थोड़ी कहा था, मुकर गए ना। उसका दिल अल्लाह में लग जाएगा, कोई भी चीज दिल में बस जाए उसे मोहब्बत हो जाए। अब दिल में अल्लाह बस गया, अल्लाह से मोहब्बत होगी। मोहब्बत का तल्लुक इस दिल से है, जुबान से नहीं। जो जुबान से कहते हैं वो बेकार है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। जब वो अल्लाह करते हैं तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाती है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला किसी के एहसान लेता नहीं है। जी सर। 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटाता है, 1 नेकी करो 10 नेकियों को सवाब देता है, और थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। तो जिसे अल्लाह मोहब्बत करता है उसको एक दिन देखता है, बड़े प्यार से देखता है। जिस दिन अल्लाह ने तुमको देख लिया तो मोहब्बत खत्म होगी, फिर इश्क आ गया, फिर मैं तेरा और तू मेरा। इकबाल ने फरमाया गारो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। अगर तेरे अंदर अल्लाह का इश्क आ जाए तो कुफर भी मुसलमानी बन जाता है ना। अगर इश्क नहीं है तो फिर आगे कहते हैं तो फिर मुस्लिम भी है काफिर ज़िंदगी। इलामा इकबाल ने क्या तुम एक दूसरे मुसलमानों को काफिर ज़िंदगी कहते हो ना। अब ये जो अल्लाह इस उम्मत को मिला, बाकी उम्मतों के नबी भी तरसते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम या रहमानों का जिक्र करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम या कदूसों का, सुलेमान अलैहिस्सलाम या वहाबों का, दाऊद अलैहिस्सलाम या वदूदों का। बाकी नबी अपने उलुल मुर्सल का कलमा पढ़ गए। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है। कहने लगे किसी में ताब होगी, जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत, उम्मत का कहा, मुसलमान का नहीं कहा। एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मैं नबियों की उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो। क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए, हजूर पाक सामने जाके मुस्कुरा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में यार रहमानों का सिफाती नूर था, वो जात की ताब ना ला सके। हजूर पाक के जिस्म मुबारक में इसमें जात का जाती नूर था, जात जात के सामने मुस्कुरा। और हजूर पाक के तुफैल वो इसम इस उम्मत को मिला, तब इसको फजीलत हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तब इसको फजीलत हुई। एक हदीस में है कि क़यामत के दिन उम्मतों की पहचान नूर से होगी। ये यार रहमानों से चमक रहे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये या वदूदों से चमक रहे दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत, और ये जो अल्लाह से चमक रहे ये हुजूर पाक की उम्मत। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर जो इस नूर के बगैर बैठे होंगे जी जी, तो फिर पावे सुन्नी है तो पावे शिया, तो कुछ नहीं, फिर तो जासूस ही है। बनी इसराइल के नबी तरसते रहे, इस उम्मत के वली कहते हैं हमने अल्लाह का दीदार किया। हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैंने 99 मरतबा अल्लाह को देखा है। हज़रत इब्राहिम बिन औद फरमाते हैं कि मैंने 70 मरतबा रब का दीदार किया है। सही सुल्तान बहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब चाहूं अल्लाह को। तेरा शाही मेरा शाही की शान। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मुझे बड़ा शौक है तुझे देखने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा मूसा गाली देखा, वाह वाह देखा हुआ था, सहम सहम गए। तो फिर तेरा दीदार कैसे होगा, इसके लिए तुझे मेरे हबीब का उम्मती बनना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा मुझे मंजूर है। जिंदा उठाया गया फिर उनको। अब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उनसे बैत होंगे, उम्मती बनेंगे, फिर उनका दीदार होगा। की क्या शान। उलमा के लिए, आलम रब्बानी के लिए हजूर पाक ने फरमाया कि बनी इसराइल की नबियों की मानद है, क्योंकि ना उन नबियों को दीदार ना इन आलमों को दीदार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वलियों के लिए कहा कि मेरे वलियों पर बनी इसराइल के नबी भी रहते। जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने आके इमाम मेहदी से बैत कर ली, सारे नबी रश्क नहीं करेंगे। हुजूर पाक के पास जो दर्जा है नबूवत में, तो ईसा अलैहिस्सलाम का तो वही आगे बैत हो गए। अब वो इस मिजाज आता कैसे जी सर जी, तरीका भी बता दें, हो सकता कोई आले दिल हो। और सही सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी, उसका नाम है नूर अलहदा, वो समझ में नहीं आती। एक दिन उससे मुलाकात हो ही गई, पूछा हमने ये किताब लिख दी तो किसी को समझ नहीं आती है, हजारों लोग पढ़ते हैं, कहते हैं हमारी समझ में आती नहीं है। अच्छा। तो कहने लगे ठीक है, हजारों की समझ में ना आए, 1000 साल तक ना आए, 1000 साल के बाद अगर किसी एक की भी समझ में आ गई ना तो हजारों को समझा देगा। पूरी हो जाएगी। तेरा शाही मेरा शाही का कप्तान मिला, कहने लगा मुझे बड़ी तगो दो अल्लाह की, मैं रोजाना कई हजार दफा कागज पे अल्लाह लिखता हूँ तो उसको समुद्र में डालता रहता हूँ, लेकिन कई साल हो गए मुझे तो रब का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। तो भाई रब तो दिल में, तू समुद्र में डाल अल्लाह, लिख लिख के तू समुद्र में डाल, दिल में डालना। दिल में कैसे डालू, तो बस यही नुक्ता है, अगर समझ आ गया तो सुभान वाह वाह। अब ये अल्लाह दिल में कैसे जाता, दिल में जाएगा तो बात बनेगी। बेशक। इसको रोजाना 66 मरतबा 66 कागज के ऊपर लिखते हैं, मुशक्कत करके लिखो, हजर की नमाज के बाद लिखो, वरना जब भी आपको मौका मिलसर आएंगे, दिन में भले कई दफा लिखो, 5, 6, 7 दफा, लेकिन जब भी लिखो बड़े प्यार से लिखो। क्या खबर तुम लिख रहे हो तो वो देख रहा हो, उसी में कहो मुझे आप थोड़े लिखेंगे, एक दिन आएगा आप जो कागज पे लिखते थे वो तुम्हारी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। वो कागज से आंखों में आ गया, तस्वर कायम हो गया, इसको अहले तस्वर बोलते हैं। जब आंखों में तस्वर आना शुरू हो जाए फिर लिखना बंद कर दें, आंखों से फिर तवज्जो से उसको दिल के ऊपर उतारे, वाह वाह, तो फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो जो आप कागज पे लिखते थे वो दिल पे लिखा नजर आएगा। उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक टिक टिक, उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिला है, एक के साथ अल्लाह, एक के साथ हो, वो दिल की तस्बीह चलता है। जब यहाँ लिखा नजर आएगा ये पोलिस की बोर लगी, पोलिस वाला, ये अल्लाह लिखा गया, अल्लाह। रात को सोने लगे इस उंगली को कलम ख्याल करें, तस्वुर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आए, क्योंकि सोते वक्त जो नीयत होती है ख्वाब में भी वही कुछ होता है। अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह करते रहे। हम चकवाल में कैंटीन करते तो कुछ कंडक्टर, बसों के कंडक्टर हमारे पास कैंटीन में सो जाते, खराटे ले रहे होते, हम उनको देखते खूब मजे से खराटे ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं लाहौर ठंडी, लाहौर लाहौर में होते पिंडी में होते वो ख्वाब में कहते रहते ना। तो जब तुम्हारा ख्याल अल्लाह की तरफ होगा, सोते भी थे, जाते में भी थे, काम काज में भी, तो फिर घर वाले कहेंगे तू तो अल्लाह कर रहा था, तुम कहे मैं तो सो रहा था। क्या शान, सरफरोश सरफरोश सरफरोश। सुबह उठे, वुजू है या नहीं, जिक्र खफी करते रहे, जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिलता उसको जिक्र खफी कहते हैं। जिक्र खफी कोई मंजिल नहीं है, इबादत है। जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कनों ने अल्लाह पुकारना शुरू कर दिया, आज तुम्हारी मंजिल जो है ना वो चल पड़ी ना। इसको तरीकत कहते हैं ना, तरीकत का तल्लुक इस दिल से है ना। आज तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी, अब इस गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है। अब हम नमाजें पढ़ो तो रोजे रखो तो वो उसका पेट्रोल, तो फिर वो गाड़ी पहुंचेगी ना। तो फिर जब वो गाड़ी अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह तक पहुंच जाएगी तो उसको हकीकत कहते हैं ना। हकीकत का तलक इन नजरों से। अब यहाँ एक सवाल है, हमारे उलमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमें कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, ना कोई पीरों से दुश्मनी है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, हम बयान कर रहे हैं, चाहे किसी को सही लगे चाहे किसी को बुरा लगे। यहाँ हम जिधर भी गए हमारे उलमा ने कहा कि सब कुछ शरीयत में है। उन्होंने कहा तरीकत भी शरीयत में, हकीकत भी शरीयत में, मार्फत भी शरीयत में। हम नारा में गए तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ कि इसके आगे दुनिया नहीं है। अगर कोई दुनिया का जुस्तजू वाला हुआ तो वहाँ जाके ठहर जाएगा ना, आगे दुनिया ही मैं जाके क्या करूं। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई अल्लाह का तालब हुआ तो यहाँ शरीयत में साकन हो जाएगा ना, शरीयत के आगे तो कुछ नहीं, तो मैं क्या करूँ आगे जाके। ये क्यों नहीं कहा कि ये दिल भी अल्लाह करते हैं, दिल वाले भी होते हैं, ये आंखें भी अल्लाह को देखती है, ये आंखों वाले भी होते हैं, तलाश करता ना। अल्लाहु अकबर। ये कहते हैं कि इस्लाम में रूहानियत नहीं है। हाँ जी, वो इस्लाम में रूहानियत नहीं है। क्या गौस पाक इस्लाम में नहीं थे, ख्वाजा साहब इस्लाम में नहीं थे, तो कई साल जंगलों में रहे ना। वो शरीयत जंगलों में तो नहीं होती है ना, शरीयत तो शहरों में होती है, मदरसों में, मस्जिदों में होती है ना। तो जंगलों में फिर वो क्यों चले गए थे? वो कोई दूसरा एलिमेंट था, वो तरीकत हकीकत मार्फत था। मुड़ गया तो बड़े बड़े वली कामल बन के आए। जब वो दिल की धड़कने पर अल्लाह पुकार दी है, तब कोई लोग हैं जिनके दिल की धड़कनें कम होती हैं, उनके लिए फिर औलिया ने कुछ तरीके निकाले हैं। कलंदर पाक, उनके पास लोग जाते हैं, वो कहते चलो नाच। वो नाच आज तक मौजूद है, नचाते हैं उनको। मैं एक दफा सावन में गया तो वहाँ कुछ आदमी उस वक्त अल्लाह पे नाचते थे, अब दमा दम मस्त कलंदर पे नाचते। 2 आदमी मेरे सामने बेहोश हुए, नाचते नाचते बेहोश हो गए। एक को मैं पानी डालने लगा, एक और साथ आदमी था, तो दांत उसके बिल्कुल कसे हुए हैं, बंद है, पानी भी अंदर नहीं जा रहा, तो दिल से आवाज आ रही है दमादा मस्क लंदर। हमने सोचा कि इस जमाने में दमादा मस्क लंदर करते हैं तो दिलों से दमादा मस्क लंदर की आवाज आ रही है। तो उस जमाने में तो अल्लाह से नाचा करते थे ना, तो उस जमाने में अल्लाह की आवाज आती। तो बुल्ले शाह ने फरमाया सी असन नच के यार मनाया, उसे नाच में क्या यार मनता है। पता लगा नच्चे, खूब नच्चे, दिल की धड़कने उभरी, धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलया तो यार मने। अमीर खिलाल कबड्डी खिलाते, और कबड्डी खेल रहे थे। बहादुर नक्शबंद रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलम में पहुंच गए फैज के लिए। पूछा अमीर खिलाल कहा है कि वो तो कबड्डी खेल रहे हैं। वली कबड्डी बनी खेल मैं तो खाम खा इधर आ गया। वापस जाने लगे, जमीन ने रोक लिया। बाद में वही ख्वाजा मोइनुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह उनके साथ कबड्डी खेले, इतने बड़े वली बने। तो कबड्डी में क्या रास्ता, खूब दौड़ाते, जब दिल की धड़कने उभरते ही कहते अब कबड्डी को छोड़ो, अब इनके साथ अल्लाह। एक और आसान तरीका है, वो जरबे लगवाते हैं अल्लाहू अल्लाह। अब कुछ लोग अल्लाह के जरबे लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं शोर मचाते हैं, तो सही कहते हैं। अगर तू अल्लाह जरबे लगा के घर चला जाता है तो शोर मचा गया ना, उससे बेहतर था तू दिल में उसको याद कर लेता। उनको पता भी नहीं ये जरबे क्यों लगाते हैं। सही बात, ये अल्लाह अल्लाह जो लगाते हैं ना घंटा बार, तो वो एक कबड्डी वाली पोजीशन पैदा हो जाती है। वो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, फिर उस दिल की धड़कन के साथ अल्लाह को मिलाते हैं ना। वो कहते हैं कि किसानी आधी वलायत है। तो किस तरह आगे बैल चल रहा है, पीछे वो भी चल रहा है, तो सारा दिन चल रहा है। बैल का दिल भी धड़कना शुरू हो गया, उसका भी दिल धड़कना शुरू हो गया। अब अगर उस धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाए तो आधी वलायत है ना। वरना जिस तरह उसका दिल धड़क रहा है, इसका दिल धड़क रहा है, दोनों खाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा शाही, मेरा शाही। ये तो हो गया इसका तरीका। अब इसकी इजाजत भी होती है। इजाजत क्या होती है, आप यहाँ सारा दिन रात तहज्जुद पढ़ते रहें, नमाजें पढ़ते रहें, शैतान एक कोने पर खड़ा हंसता रहता है। क्यों, तेरा दिल तो मेरे हाथ में, जब जी चाहूंगा मोड़ दूंगा। और तुम्हें एक दिन शिकायत होगी मैं बड़ा तहज्जुद गुजार था, मुझे क्या हो गया, मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकता। उस शैतान ने दिल मोड़ दिया। जब कोई दिल की इबादत में लगता है, शैतान सोचता है अगर ये अल्लाह इसके अंदर चला गया, ये तो सारी उम्र के लिए मेरे हाथों से गया। बाजी रहमतुल्लाह जवानी की अयाम में जंगलों में चला गया। जब बाकी इबादत करते हैं तो शैतान देखता रहता है, लेकिन जब वो अल्लाह के जरबे लगाते ना तो करीब आगे उनको सताता। वो साबे नजर थे, एक दिन डंडा लेके उसके पीछे भागे, आज उसको मारूंगा। आवाज आई ऐ बाज अजीत, ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से जाता। तू इतना जिक्र कर, इतना जिक्र कर कि नूर अल नूर हो जाए। और जब बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह नूर अल नूर हो गए तो शहर बुस्ताम से जादू जादू। शैतान को पता है कि अल्लाह अल्लाह करने से किसी के दिल पे अल्लाह लिखा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह को नक्शबंदी क्यों कहते हैं, लोगों के दिलों पे लफ्ज़ अल्लाह नक्श कर देते। कुरान में फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों पे अल्लाह ईमान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके दिन में मदीना पाक आ जाता है, क्योंकि वो खुदा भी नहीं तो जुदा भी नहीं, फिर वो कहीं भी है मदीने में। बेशक सरकार। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके दिलों पे खाना काबा आ जाता है। एक दिन देखा मजदूर रहमतुल्लाह ने, देखा ये जिन फरिश्ते उनको सजदा करें, तो बड़े परेशान हुए कि इस्तदराज तो नहीं हो गया, ये इंसान को सजदा जायज ही नहीं, ये मुझे क्यों सजदा करें। आवाज आई घबराओ नहीं, ये तुम्हें सजदा नहीं करे, वो जो तुम्हारे अंदर खाना काबा बस का उसको सजदा। जब राबिया बसरी रहमतुल्लाह के दिल पे खाना काबा आया, उस काबे को हुक्म हुआ जा जाके उसका तवाफ कर। और तुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गारे मिट्टी से बनाया, इसको मैंने अपने नूर से बनाया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तब मौलाना रूमी ने कहा कि एक दिल जिसमें काबा बस जाए उन हजार काबों से, उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, इसको अल्लाह ने अपने नूर से। जब काबा बस जाता है, अभी मुकम्मल नहीं है, उसको आदि कलंदर बोलते हैं जी, बोलते हैं ना आदि कलंदर है। तो खाने में काबा बसा था, तो काबा उसका तोहा भी करता था, तो फिर भी बोलते हैं आदि कलंदर है। तो फिर पूरा कलंदर कौन है? आदि कलंदर ये है कि वो रब का दीदार नहीं कर सके, वो रब से बातचीत कर सके। औरत जो है ना, वो रब का दीदार नहीं कर सकती, कितनी बड़ी ऊंची वलिया हो जाए, रब से बातचीत कर लेती है। जो दूसरे भी है ना पूरे कलंदर, वो रब से बातचीत भी करते हैं, रब को देखते भी है ना, वो रब का नक्शा उनके अंदर आता है ना, तो फिर उनके लिए ना कि मैं उनकी जुबान बन जाता हूँ, जिससे उसके हाथ बन जाता हूँ, जिससे अल्लाह अल्लाह बन के मस्त मलंग रहेंगे, रंग में रंग रहेंगे, वाले ढंग रहेंगे, दीन इस्लाम एक परिंदे की मानद है। इस परिंदे के दो पर, बहुत से लोग हैं जो एक पर से उड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं उड़ सकते, वो सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, जबान से सब कुछ करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, वो 40, 50, 60, 100 साल हो गए, तू अभी नमाजी है ना, वही मस्जिद में फड़फड़ा रहा ना, ऊपर तो कोई नहीं पहुंचा रहा। तो दूसरे लोग वो देखे जिन्होंने नमाजें छोड़ दी, दिलों से अल्लाह करना शुरू कर दिया, वो जंगलों में पड़े हुए हैं ना, रब को वो भी कोनी को पहुंचे ना, रब को वही पहुंचे ना जिन्होंने नमाजें भी पढ़ी और दिलों से अल्लाह भी करी। सुभान अल्लाह, रब को वही पहुंचे। ये दो पर हैं। इस वक्त हर आदमी सिराते मुस्तकीम की तलाश में, वो 5 मिनट में पता चल जाएगा, कोई भी नहीं कहेगा गलत कहता। कई सालों से उलझे हुए ना कि साथ मुस्तकीम क्या, ये देवबंदी तो मर्जी तो सुन्नी शिया, अभी 10 मिनट में तुम सारे करने लाओगे सही कहता। अगर कोई काफिर हुआ, हिंदू हुआ, वो भी कहेगा सही कहता। एक वो लोग हैं जिनके ज़ाहिर भी खराब हैं, बातन भी खराब है ना, कोई जहर में नमाज रोजा है, ना कोई दिल में अल्लाह अल्लाह है, वो भले सुन्नी है तो भले शिया, तो वो भाभी सराते मुस्तकीम नहीं है, वो सराते मुस्तकीम नहीं है, ना तो रखे हुए ना बात सराते मुस्तकीम करे ना, सही है। दूसरे वो लोग हैं जिनके जहर खराब है, बातन अल्लाह अल्लाह करे, क्या शान, ऐसे लोग भी हैं। ये धनका शरीफ है ना, उधर जहर में कोई नमाज रोजा नहीं है ना, दिल अल्लाह कर रहा है ना, और जिसको डंडा मारते हैं उसको फैज हो जाता है, लेकिन अगर उनकी कोई नकल करे तो जिंदगी हो जाता है ना। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर उनकी नकल करो तो जिंदगी हो जाओगे ना, तो सराते मुस्तकीम वो भी को नहीं। अल्लाह भाई, वो तो बेनजीरी को डंडे मारते हैं, तुम डंडे मार के दिखाओ। उनकी नकल करे तो नजदीक हो जाएगा ना, साथ में मुस्तकीम वो भी नहीं है ना। जी जी। तो तीसरे वो लोग हैं जिनके जहर दुरुस्त तो बातन स्याह। हमारे उलमा और आबुल ज़ैद, जहर में तस्बीह नमाजें सब कुछ है, अंदर काले हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। इस दिल में अल्लाह होता है, अगर अल्लाह ना हो तो शैतान होता है। बेशक। फिर सिराते मुस्तकीम ये भी है ना, अगर सिराते मुस्तकीम होता तो 72 फिरके क्यों बनते? इन्हीं लोगों ने बनाया ना, इन्हीं दाढ़ियों वाले ने बनाए, नमाजी ने बनाए फिरके। तो फिर सिराते मुस्तकीम होता, सारे एक ना होते। तो फिर सिराते मुस्तकीम क्या है? ज़ाहिर भी दुरुस्त, बातन में भी नमाज रोजा करो, दिल भी अल्लाह अल्लाह करे, जुबान भी पाक तो दिल भी पाक, ये सिरात मुस्तकीम है। कहीं से भी हासिल हो जाए, हम ये नहीं कहते, कहीं से भी हासिल हो जाए, यही सिरात मुस्तकीम है। इस वक्त सारे इस्लामी ममालिक हैं, ईरान भी, इराक भी, पाकिस्तान भी, जबान से सारे कलमा पढ़ते हैं ना, जबान से सारे एक है, लेकिन दिल से एक नहीं है ना। दिलों में शैतान है, तो शैतान क्या करता? भाई को भाई से लड़ाता, मियां को बीवी से लड़ाता। दिल से एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते हैं, काफिर कहते हैं। जब तुम्हारे दिलों ने भी कलमा पढ़ लिया तो फिर जुबान से भी एक और दिल से। अब तुमको, अब उस शैतान को पता है, यहाँ तक कोई शख्स पहुंच सकता है उसके पास जिन्नात फौजा हुक्म देता है, जाओ इसको तबाह करो, बर्बाद करो, कुछ भी करो, ये अल्लाह इसके अंदर ना जाए, वरना ये तो गया ना। तुम्हारे पास एक जिन भी नहीं है जो उसका मुकाबला करो, एक जिन भी नहीं है जो उसका मुकाबला करो। फिर जहाँ से इसकी इजाजत होती है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है ना। तो शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी और रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ी। और रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जाग नहीं उठते। फिर बंदा नहीं रहे, बंदा नवाज बन गए, गरीब नहीं रहे, गरीब नवाज। बहुत से लोग होंगे जिनके मुर्शिद कामल होंगे, बहुत से लोग होंगे तो वैसे फंसे हुए होंगे। जी जी बेशक, हर मुर्शिद अपने आप को कामल ही कहता है ना। तो जो जिससे बैत हुआ उसको कामल समझ की बैत हुआ ना। अगर तो वो कामल है तो फिर तू जैसे ही है आप अल्लाह से सारा है, लेकिन अगर वो कामल नहीं है तो फिर तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। अब जरूरी है ना कि अपने मुर्शिद के मतलब भी पता हो ना, वो कामल है होना चाहिए ना, बहुत जरूरी। सही आप सुनहरा है, वो सोने लेने के लिए जाता है, मार नहीं खाता, उसके पास कसवटी है। जब तुम्हारे अंदर ये अल्लाह शुरू हो जाएगा, तुम्हारे दिल में अल्लाह शुरू हो जाएगी, दिल की धड़कने पुकारेंगी अल्लाह अल्लाह, नूर बनेगा। बड़ी इमाम चले जाना, वहाँ भी अल्लाह तो यहाँ भी अल्लाह। बादल आपस में टकराते हैं तो रिक्कत भी पैदा होती है, यहाँ भी अल्लाह है यहाँ भी अल्लाह। अल्लाह आपस में टकराया तो रिक्कत पैदा होगी, दिल की जिक्र और तेज हो गया, समझ गया रूहानी आदमी। आगे दाता साहब चले जाना ना, वहाँ भी अल्लाह तो यहाँ भी अल्लाह था, तो सीधे में गड़गड़ाहट होगी ना, रिक्कत पैदा हो जाएगी ना, तो समझ जाओगे ना कि ये कोई वली कामल है। फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना ना। जो दाता साहब बड़ी इमाम पे बात हुई थी मुर्शिद के पास जाने से होती है तो ठीक है, तुम्हारी खुश नसीब। अगर घड़ी घड़ी तो उसके पास जाता है, घड़ी घड़ी उसके पास जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब फिर कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल बर्बाद हो रही है। बेशक सरदार, बेशक जरूरी है कि तुम पहले कसवटी बंद हो जाए तो फिर तुम इनकी तलाश में निकलना। फिर जब भी कभी मिलेगा ना तो कामल मुर्शिद ही मिलेगा। सही सुल्तान बहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ढूंढ ढूंढ तू लुट जाए, तेरे घर पर लुट जाए, मरने से थोड़ी देर पहले तो ये चीज हासिल हो जाए तो बड़ी सस्ता सौदा। अल्लाह अल्लाह अकबर, जाएगा तो ईमान से जाएगा, तेरे दिल पे अल्लाह लिखा है ईमान से जाएगा। अल्लाह, इसके लिए हम तुम्हें ना बैत करते हैं ना कोई नजराना मांगते हैं। उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे तुम्हारे अंदर रहमान जागते नहीं है। फिर तुम्हें कहीं भी कामल नजर आया वहां जाके बैत हो जाना, कहीं भी नजर आया वहां जाके बैत होना, लेकिन जो भी मिलेगा फिर सही मिलेगा। ये चिश्ती, नक्शबंदी, कादी, सरवर्दी ये सिलसिले हैं, लेकिन हमारे लोगों में कुछ ही है वो कहते हैं ये चिश्ती था हमारा दादा, बाप भी चिश्ती, मैं भी चिश्ती, मेरा बेटा भी चिश्ती, हम चिश्ती क्यों छोड़े, ये कहते हैं ना। लेकिन चक्कर ये है कि चार गाड़ियां हैं ना, पहले 9 गाड़ियां थी और 5 पंचर हो गई, और 4 में से एक जो है ना वो भी कट गए, सरवर्द भी कट गया, अल्लाह सिर्फ दातानी में लग गया, बस जुकरियत को उसने छोड़ दिया। अब ये गाड़ियां से स्टार्ट, कभी चिश्तियों की गाड़ी स्टार्ट होती है तो कभी नक्शबंदियों की स्टार्ट होती है तो कभी कादरियों की स्टार्ट होती है, बारी बारी ना, एक जगह स्टार्ट नहीं होती है, बारी बारी अलग तरफ जाती है ना। अगर तुझे अल्लाह को पहुंचना है तो जो स्टार्ट गाड़ी है उसमें जाके बैठ जाना। अल्लाह अकबर, भाई वो तो सारे अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं ना, हमारे लिए भेजिए, बारी बारी वो चलती है ना, किसी में स्टार्ट में जाके बैठ जाए कोई जुर्म नहीं है ना। बेशक हाँ, अगर तेरी गाड़ी चल रही है तो फिर उतरने की कोशिश करता तो फिर वो जुर्म है ना। बेशक बिल्कुल, अगर किसी का दिल अल्लाह कर रहा है उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, उसका मुर्शिद कामल था तब उसके अंदर अल्लाह हुई है। अगर किसी के अंदर अल्लाह नहीं है इसका मतलब है उसकी गाड़ी चली नहीं है ना, तो गाड़ी पे आगे बैठ जाए। अल्लाह हमें तुमसे जो लालच है, एक लालच है बस, हम अपने खर्चे पे इधर आए हैं, खर्चे पे जाएंगे। बेशक फिर क्यों हम जगह जगह जाते हैं, यूरोप तक जाते हैं। सही बेशक, थोड़ी सी लालच है हमको। ओए होए अल्लाह अल्लाह, हुजूर पाक को भी वो लालच थी बेशक, इस वजह से आपको अरिशन भी कहा गया। बिल्कुल कुरान में है सर, अरिशन भी कहा गया। तो मुझसे अरिश क्यों कहा गया? जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब देखो ना, तुम अल्लाह को जाओ, दोज़ख में जाओ, बहशत में जाओ, हमें क्या परवाह? हमने तो जो पाना था पा लिया। जिस तरह गाड़ी किसी की लेने वाला और बेचने वाला होता, बीच में एक एजेंट है, वो एक को राजी करता है फिर दूसरे को राजी करता है, दोनों फिकों को राजी करता है। गाड़ी उसकी नहीं है, उधर भी बातें करता है, उधर बेचारा बातें करता है, पता नहीं कितने घंटे लगाता है। जब गाड़ी बिक जाती है उसको उधर से भी कमीशन मिलता है, उधर से भी वही हिसाब हमारा है। अब हम तुमको राजी कर रहे हैं ना, फिर उसको राजी करेंगे, शुरू होगा हो या ना, तो उसको हमको भी कमीशन मिलेगा ना, वो भी देगा तो तुम्हारा कमीशन होगा। हम तुझे लालच उस अल्लाह से हमारे मरातब जो ना वो बढ़ते होंगे। तुमने जितना जिक्र किया, जिसने तुमको सिखाया 2 दर्जा उसको मिलेगा 2 गुना, और जिसने उसको सिखाया 4 गुना उसको मिलेगा, जिसने उसको सिखाया 8 गुना उसको मिलेगा, ये 10 गुना तक जाता है ना। नारे हैदरी, अब जो मैंने बातें करी हैं, अगर किसी साहब को इस पे एतराज हो पूछ तो सकता है, कोई मैंने बात करी है किसी की समझ ना आए या कोई एतराज है तो पूछ सकता है, उसके बाद जिक्र लें अपनी किस्मत आसमान। तो सवाल कर लें अगर दिन में हो तो, गुफ्तगू के बारे में अगर किसी हजरात को कोई सवाल करना है तो वो बेशक बना महफिल में सवाल कर सकते हैं। अभी दुआ करेंगे ना, जिस काम के लिए करेंगे, चलो अगर हो सकता अल्लाह ताला पूरा कर दे। काम तो निकलते रहते हैं, तो निकलते रहते हैं, फिर क्या करोगे? अल्लाह ताला फरमाता फस्करोनी अस्करको, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद। जब तेरे अंदर अल्लाह शुरू हो जाएगी, जुबान से नहीं, वो दिल से अल्लाह शुरू हो जाएगी। इस दिल की पहुंच जो है ना, ज़बान की पहुंच अमेरिका है, दिल की पहुंच अर्शे मौला है, और तेरी अल्लाह अल्लाह जो है ना वो अर्शे मौला में गूंजना शुरू हो जाएगी। तू नहीं जाएगा, तेरी आवाज जाएगी, इस आवाज को अल्लाह रोज सुनेगा। अब कहता तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँ, अब सारे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं ना, तो क्या सबका नाम लेके पुकारेगा? नहीं, ये सारी आवाजें यहाँ गूंज रही हैं अल्लाह अल्लाह की, सब आवाजों को सुन रहा है, वो सब आवाजों से मानूस है। एक दिन एक आवाज गमगीन है, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते इसको क्या हो गया? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इस पे ये मुसीबत आन पड़ी। अल्लाह ताला फरमाता मैं इसको गमजदा देखना नहीं चाहता। उसने हाथ भी नहीं उठाया, उसका काम हो गया। ये दुआ करो यहाँ भी काम आए, आगे भी काम आए। जब तुम मरेगा तो फरिश्ते आ जाएंगे, आके पूछेंगे बता तेरा रब कौन है। सबसे पहले पूछेंगे बता तेरा रब कौन है। एक कफन पीछे हटाना, अल्लाह लिखा हुआ देख, उनको जरूरत नहीं तुमसे दूसरा सवाल पूछे। ये काम सीखना, इधर भी काम आए तो उधर भी काम आए, और सारी उम्र के लिए दुआ भी बन जाए। बेशक बेशक, जब तूने यहाँ अल्लाह सीखी ना, तेरा जिस्म खत्म हो गया ना, लेकिन तेरी रूह ने यहाँ अल्लाह सीखी ना, रूह तो खत्म नहीं होगी ना, तेरे क्यामत तक ही तेरी अल्लाह, क्यामत तक तेरा मर्तबा कितना बुलंद हो जाएगा। वाह वाह वाह। हदीस में जो यहाँ अंधे वो वहाँ भी अंधे। वाह, तूने यहाँ अल्लाह नहीं सीखी ना, तो वहाँ तो वो दूर जाएगी, तू तो नहीं जाएगा ना, तो वहाँ भी अंधा है ना। वाह बेशक। सरकार एक सवाल है, मतलब जैसे औरतों के लिए जिक्र का हुक्म है, मोमिन है, औरतों के लिए भी ऐसा कोई हुक्म है? मतलब औरतें जो है वो मोमिन के लिए जिक्र करे ना, औरतों के लिए भी है। जिक्र करने वाले औरतें और जिक्र करने वाले मर्द अल्लाह ताला ने बेहतरीन इनाम दिया, दोनों के लिए वाला। और ये जो मखलूके है ना, ये तो सब के अंदर है, औरत है या मर्द है। ये जो मखलूके लतायफ है ना, ये सब के अंदर है। और ये जब तुम्हारे लता है, ये इंसान है तुम्हारे अंदर। जी जी, एक आयत में उठते बैठते हत्या करते लेते मेरा जिक्र करता। जी, उधर ये भी है शादियां भी कर, काम काज भी कर, हर वेले मेरा जिक्र भी कर। आदमी उलझन में पड़ गया। वाह, बड़ा सोचा लोगों ने, कहने के फिर ऐसा होगा। उठने लगे ये आयत पढ़, बैठने लगे ये आयत पढ़, सोने लगे ये आयत पढ़, कारोबार करने ये आयत पढ़, ये समझाना। वो नहीं, उसने कहा तू कारोबार भी कर, मेरा जिक्र भी कर। उसने कहा तू उस इंसान को एक दफा बिगा ले, फिर तू काम काज करना। तेरे बच्चे उसके बच्चे तो नहीं है ना, तू काम काज करना वो अल्लाह करेगा, तू सोना वो अल्लाह करेगा, खरीदो फर करना वो अल्लाह करेगा। तुझे नींद आती है, उसको नींद तो नहीं आती। वो इंसान सब के अंदर है, जो भी उनको जगा ले। औरत है, क्या शान है, अल्लाह अकबर। तो फिर उस सारे इंसान जब जाग उठते हैं ना, तो सच हिक नौ हिक, सच का तो बकायदा कुरान मजीद में और हदीसों में नाम है उनके। रूह, कलब, शरीर, खफी, अफा, अन्ना, नफ्स, ये सत लताइफ हैं, 9 जुस्से हैं, उनका भी कुरान मजीद में नाम है। कल्बे सलीम, कल्बे मनीब, कल्बे शहीद, नफ्स हमारा, लवामा, मलैमा, मुतमिन्ना, उनके नाम है। मखलूक है तुम्हारे अंदर। हिक वक्त उस बात की 9 आदमी ने दावत पकाई, एक ही वक्त में पकाई। आदमी सोचता है 9 जगह कैसे चले गए, वो जिस्म नहीं गया, वो जिस्म के अंदर की मखलूकें गई ना उधर। अगर एक वक्त में 9 घर के खाना खाया, उठी भी होंगी, बैठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी, तो जिसमें उठने बैठने बातों की ताकत है, तो नमाज में यही कुछ है ना। बेशक सरकार, बेशक बेशक। वो कहते हैं दरवेश की नमाज अर्शे मौला में होती है, वो जिस्म अर्शे मौला में नहीं जाता, वो जिस्म के अंदर की चीज अर्शे मौला में जाती है। तो सवाब किसको मिलता है, जिनकी हो। एक दफा लोगों ने कहा मुजद्दिद साहब को, मैंने आपको फलाने खाने काबे में देखा। फरमाने लगे मैं नहीं गया। दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पाक के रोजे पे देखा, मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन उस पाक के रोजे पे देखा, फरमाने लगे मैं नहीं गया। तो लोगों ने पूछा फिर क्या था, फरमाने लगे मेरा अंदर था। सुभान अल्लाह। और जब हजूर पाक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे ना, तो ऊपर पहुंचे तो हम भी मौजूद थे ना, तो क्या था ना, यही चीजें थी ना। बेशक। नाराए तकबीर, आप जो तुम दरबारों में जाते हो, जी जी, कुछ फैज होता तभी जानते हो। जी सरकार। आप उसमें फैज क्या है? जी फैज जिंदे से होता है, मुर्दे से फैज नहीं होता। जिंदे के पास जाओ, उसकी ताजीम करो। सही सही। अब राज साहब उसने अपने इन इंसानों को जिंदा कर लिया ना। असल तो ये है ना, ये तो नकल है, ये तो मिट्टी हो जाएगा। हाँ जी, उसने अपने असली इंसानों को जिंदा कर लिया। भाई जो ऊपर बैतुल मामूर में चला जाता है, यहाँ से खाने काबे में चला जाता है। सही है। उसने अपनी मखलूकों को जिंदा कर लिया। वो कब्र में चला गया, उसी मखलूक के कब्र में बैठ के अल्लाह लगा रही है, नमाजें पढ़ी हैं, लोगों को फैज पहुँचा रही है, तो वो मुर्दा किधर है? बेशक। सिर्फ तुम देख नहीं सकते ना, है तो वो जिंदा, खाता पीता है, नमाज पढ़ता है, जिक्र करता है। तो ये तो शिर्क नहीं है ना। हाँ, शिर्क ये है जिसने ये काम नहीं सीखा ना, इनको नहीं जगाया ना, तो ये चीजें उसके अंदर ही खत्म हो गई ना। जब मर गया तो या हड्डियां रह गई ना, या पत्थर रह गए ना, और तो कुछ नहीं है ना। उन हड्डियों और पत्थरों की ताजीम शिर्क है ना। अल्लाह अकबर। हड्डियों और पत्थरों की ताजीम शिर्क है, जिंदे की ताजीम शिर्क नहीं है। अल्लाह जिंदे है ना, वहाँ तो शिर्क नहीं है ना। तो जो कहते हैं खत्म हो गए, वो उनको खुद ही अपने खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। अब एक कहता है ये झगड़ा हमारे मुल्क में हाजर नाजर के ऊपर। सही। एक कहता है हजूर पाक हाजर नाजर, दूसरा कहता है नहीं हाजर नाजर। आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और हमारे नजदीक दोनों सही है ना। वो उस बेचारे को नजर नहीं आता, बतेरा पुकारा आओ आओ, कोई नहीं आया, उसने कहा आई कोई नहीं। वो सही है, वाह, वो सही कहता ना, झूठ नहीं बोला ना। सही। बहुत पुकारा, उसने कोई नहीं आया, उसने कहा नहीं कोई भी नहीं है। दूसरे ने आला हजरत है सलातो सलाम ने लिखा। वो बैठ के पढ़ने लगे ना, पढ़ ही ले गए तो हजूर पाक तशरीफ फरमा हो गए। इसलिए कैसे कहेंगे हाज़िर नाज़िर नहीं है। हाय 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 हाय। अब ये कि वो तरीका इख्तियार करो ना जिससे पता लगे ना कि ये हाज़िर नाज़िर हैं या नहीं। अल्लाह अकबर। वो तरीका क्योंकि तुम्हारा जिस्म तो नहीं जाएगा ना, वो जिस्म के अंदर की चीजें जाएगी ना। ये इल्म सीखो ना, इसको इल्म लदनी भी कहते हैं, इल्म तरीकत भी कहते हैं। वो भी मदरसे से फारिग है, वो भी मदरसे से फारिग है, फिर सूर और रुबानी में क्या? सुभान अल्लाह। आलम रुबानी ने क्या किया? 2 4 5 7 दिन में अल्लाह का शुरू हो गया, उसका करम हो गया। बस कौनी असबरो कम, तू मेरा जिक्र करना, तेरा जिक्र उसी का किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद तेरे अंदर अल्लाह नहीं जमता है तो तेरे पर अल्लाह का कोई करम नहीं। अगर कर्म होता तो तुमको अपने नाम लेवाओं में लेता, फिर कार बंगला देता, फिर कर्म ही कर्म, फिर कर्म गाना। अपने आप को आजमाने का रास, मैं क्या हूँ, मेरा मुर्शिद क्या है और मुझ पर रब कितना मेहरबान है, ये कसरती है। अल्लाह अकबर। गुजरांवाला में एक अंग्रेज ने सवाल किया, जी जी मैं मुसलमान हो जाऊँ, चाहता भी हूँ, मुझे गारंटी नहीं मिलती। कहने लगा मैं शराबें भी छोड़ दूंगा, नमाजें भी, रोजे, जैसा कहोगे मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हारे और माँ कहते हैं कि हम गारंटी नहीं देंगे, पता नहीं दोस्त की है कि बेचते हैं। इसका मतलब है तुम्हारा मजहब कमजोर है। भाई कमजोर चीज की गारंटी नहीं होती है ना। ये कहते हैं हमें अपनी गारंटी नहीं, तेरी गारंटी कैसे देती? वाह। लेकिन यकीन करो कि मजहब इस्लाम गारंटी कर, अगर उस रास्ते पे चले तो तब साल नहीं, महीने नहीं, 5-7 दिन में पता चल जाता है। ये जो तुमको तरीका बताया, ये ज्यादा से 7 दिन में पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह शुरू हो गई, अल्लाह का हुक्म हो गया, गारंटी होगी। अगर अल्लाह नहीं होता फिर कोई गारंटी नहीं। वाह क्या कसौटी, ये कसौटी है। वाह 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 सुभान। इसके लिए तो जिक्र लेना चाहे, हमको यहाँ से गुजारे। जिक्र लेने वाले साथी इस तरफ से तशरीफ ले आए और इस तरफ से गुजरते हुए अल्लाह ऊपर से गुजरे। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। देखो देखो इधर देखो। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो